BS4 अशोक लेलैंड इंजिन है, BS4 अशोक लेलैंड इंजिन है, ठीक है ना। ये अपना पहले जैसा रोटरी पंप नहीं है, ये कमर रेल प्रेशर है, कमर रेल प्रेशर आपको डीजल पंप है, ठीक है। आपको इसमें ये देखिए आपका रेडिएटर का रिजर्वर टैंक है, इसमें कूलेंट है, ठीक है ना, और ये पाइप से डायरेक्ट कूलेंट आता है, ठीक है। ये आपका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर, इसके अंदर दो फिल्टर लगा रहेगा, एक इंटरनल रहेगा, एक एक्सटर्नल रहेगा। कभी भी आपका इंटरनल का साफ नहीं करना है, जब भी आपको साफ करना रहेगा आप एक्सटर्नल खोलो, हवा से बाहर से नहीं मारना, अंदर से आप साफ करो, ठीक है ना। और वो भी 2 से 3 बार साफ करो, चौथा बार दोनों को बदल दो, लेकिन अंदर का कभी भी साफ नहीं करना है, क्योंकि वो यूजन थ्रो है। एक बार आप डालो, आपको जो कंपनी रिकमेंडेड कर रहा 500 घंटा 1000 घंटा, तब तक ही चलाओ, फिर उसको खोल के दूसरा नया डालो, ठीक है ना। ये आपका इंजन ऑयल चेकिंग का गेज है, ये इंजन ऑयल चेकिंग का गेज है, ये अभी भी हमेशा लो एंड हाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंजन ऑयल चेकिंग का गेज है, ठीक है। ये आपका डीजल पंप है, ठीक है ना, ये डीजल पंप है। ये आपका हवा को पूरा ठंडा करके आ रहा, इसको आफ्टर कूलर कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका रेडिएटर का पाइप आ रहा, ठीक है, ये पानी आ रहा। ये आपका डीजल का आपका फिल्टर है, डीजल फिल्टर। ये सेल्फ स्टार्टर है, ठीक है ना। ये आपका ट्रांसमिशन ऑयल चेक करने के लिए गेज है, ये ट्रांसमिशन ऑयल चेक करने के लिए गेज है। आपको इसको ना बंद कंडीशन में इन देखिए, ये डिफरेंस है इंजन का ऑयल चेक करने का। आपको हमेशा बंद कंडीशन में चेक करना है, अच्छा। लेकिन ट्रांसमिशन का हमेशा चालू करके आइडल में लेवल जाएगा में रख के चेक करना है, बराबर बराबर, क्योंकि उसका ना बराबर ने आपको गेज का ऐसा सिस्टम बना गया है, मतलब चालू करके अपने को कितना ऑयल होना चाहिए ट्रांसमिशन में, वो अपन ने मेजरमेंट लेता है। लेकिन अपने इंजन में क्या होता है, बंद में अपने को कितना इंजन ऑयल चाहिए वो अपना मेजरमेंट लेता है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस है अलग अलग, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो क्या हो गया, कोई को देखता हूँ मैं बंद करके ट्रांसमिशन का भी देखता है और इंजन का भी देखता है, ठीक है ना, चलता है। हाँ, ये आपका विस्कोस फैन है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फैन है, ठीक है ना। और इधर सा ये दिखा था मैं, ये साइलेंसर है, साइलेंसर है, ठीक है ना। वो दो जो सिलेंडर अंदर दिख रहे हैं ना, वो ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर है। ये अपना इंजेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, अच्छा। डीजल कंटिन्यू आते रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक जैसे जिस टाइम पावर सप्लाई करेगा उसमें फायरिंग ऑर्डर होगा। इंजन ECU जो हिसाब से ऑर्डर करेगा वो हिसाब से भेजेगा, तो इसमें हमेशा बहुत प्रेशर रहता है, कॉमन रेल प्रेशर रहता है, ठीक है ना। ये आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बात है बोल रहा, ये एयर फिल्टर चोक इंडिकेटर है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी देखो इधर थोड़ा सा देख, झुक के देखेगा तो लाल दिखता है ना। तो ये जो सफेद कलर दिख रहा है ना, जब इंडिकेटर आपको ये जो अपना फिल्टर चोक हो जाएगा तो पूरा यहाँ पे लाल हो जाएगा। तो हाँ, तो फिर उस टाइम खुल के साफ करना है, चलेगा। ये आपका वेस्ट गेट टर्बो चार्जर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर, ठीक है ना। और ये आपको जाम स्टार्ट के लिए दिया गया है। अब जैसे कोई कोई आप बोलता है ना, जब 24 वोल्ट करो 12 वोल्ट करो, तो कभी भी 24 वोल्ट नहीं करना है, 12 वोल्ट ही करना है, लेकिन उसको करंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जाम स्टार्ट करना है तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, दिया है। ये कोई भी मशीन में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ केस मशीन है उसी में देता है, ठीक है ना, प्लस करके, ठीक है। समझ गया। बाकी आपका ये हो गया प्री क्लीनर। ये आजकल जो धूल मिट्टी में चलता है ना, तो डायरेक्ट एयर फिल्टर में आएगा तो एयर फिल्टर कागज का रहता तो फाड़ देगा, तो मोटा मोटा मेटल पार्ट्स को इसको कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये फिल्टर में भेजता है, प्राइमरी फिल्टर, फिर उसके बाद भेजता है सेकेंडरी फिल्टर, उसके बाद आता है टर्बो चार्जर ले आता है आफ्टर कूलर से ठंडा होके फिर जाता है इंटर, मतलब आपका थर्मोस्टेट बल्ब, सॉरी इसका आपको उधर से मैनिफोल्ड के अंदर। कितना घूम रहा आपको प्री क्लीनर,
प्री क्लीनर से आपको पहले फिल्टर करेगा आपका आउटर फिल्टर, हाँ। फिर उसके बाद इनर फिल्टर, इनर फिल्टर होके आएंगे आप टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर से खींच के कहाँ चल जाएगा आपको ये एयर कूलर, एयर कूलर आफ्टर कूलर जिसको बोलते हैं, ये ठंडा होके फिर आपको जाएगा इंटर मैनिफोल्ड, इंटर मैनिफोल्ड, ठीक है। ये होगी आपको हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक टैंक ये आपको